नमस्ते हिंदुस्तान। जिस प्रकार से 2.5 महीने के अंदर LAC में भारत की वीर सैनिकों के हाथों से चीन की सेना को मुंह की खानी पड़ी, उनके नापाक इरादों को खत्म करने में जिस प्रकार की बहादुरी दोबारा से हिंदुस्तान के वीर सैनिकों ने दिखाई, उसके लिए मैं हिंदुस्तान के वीर सैनिकों, मां भारती के सच्चे सपूतों, भारत के सच्चे बेटों को सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत ही गर्व मुझे महसूस होता है जब मैं हिंदुस्तान की सेना की बात करती हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि मैं उस भारत की बेटी हूँ, मैं उस भारत की निवासी हूँ जहाँ पर ऐसे वीर जवान, ऐसे हमारे वीर भाई, चाहे वो जल सेना के अंदर हों, थल सेना के अंदर हों, वायु सेना के अंदर हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हों, जिनके लिए हम सब उनका परिवार है, जबकि वो हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार है। ये भारत वर्ष की जो भूमि है वो उनकी माँ है, और उसके लिए वो अपनी जान देने में एक स्प्लिट सेकंड का समय नहीं लेते हैं, और दुश्मनों के दांत खट्टे करने में उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है। ऐसी वीर सैनिक जब जिस देश के अंदर हो, वहां पर मुझ जैसी बहनों को डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, और ये बात बताने वाली भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, और इंटरनेशनल फोरम पर भी सारे देश इस बात को जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो सेना है उसका लोहा मनवाने के लिए उन्होंने कभी भी कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जहां पर यह ना समझ आया हो कि हमारी सेना कितनी वीर है और कितनी वीरता के साथ वो अपनी काम करती है। लेकिन दुख मुझे तब होता है जब हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ लोग, कुछ जयचंद, जब भी ऐसा हिंदुस्तान की सेना अपना परचम वीरता का लहराती है तो उनको प्रश्न चिन्ह करने बैठ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी के लीडर और MP मिस्टर राहुल गांधी की, जिन्होंने फिर से वो लाल आंखों वर्सेस न जाने किस किस तरीके की बातें करने लगे हैं। रणदीप सुरजेवाला जो है अपना एक बहुत ही विराट रूप लेकर के बात कर रहे हैं कि लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, और न जाने क्या क्या वो बातें करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग वाकई हिंदुस्तान के हितैषी हैं कि नहीं है, क्या इनको आपके और हमारी चिंता है कि नहीं है, इनको क्यों दुख लगता है, ये क्यों इनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती है जब हिंदुस्तान के वीर सैनिक जो है चीन जैसे दुश्मन देश के उस सेना के दांत खट्टे कर देते हैं, उनके हौसलों को पस्त कर देते हैं, उनको भगा देते हैं, उनके जो नापाक इरादे हैं उनको ध्वस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, आतंकियों से लोहा ले लेते हैं, आतंकियों को मार देते हैं, पाकिस्तान की धरती के अंदर घुस करके उनको मार करके, उनके आतंकियों को मार करके वापस आते हैं। क्यों इनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती है, क्यों ये जाकर के चीन और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, क्यों ये उनकी भाषाएं बोलने लग जाते हैं, क्यों ये अपने देश की आर्मी को गाली देने लग जाते हैं, क्यों ये अपने लोगों से ही सबूत मांगने लग जाते हैं, मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई है। देखिए, ये बात BJP वर्सेस कांग्रेस की नहीं है, ये बात हिंदुस्तान की है, ये हमारे देश की सुरक्षा की बात है, ये आपकी और मेरे सुरक्षा की, मेरे हमारे भविष्य की बात है। उसमें भी अगर कांग्रेस पार्टी राजनीति करने लग जाए तो इनसे गंदे लोग कोई नहीं है, उनसे आपको राजनीति करनी है आप बाकी चीजों पर कीजिए, लेकिन सेना को बीच में घसीटेंगे आप, देश की सुरक्षा को बीच में घसीटेंगे आप, LAC को, LAC के मामले में आप इस तरीके की बातें करेंगे, ये आपको शोभा नहीं देता है। अगर इसको आप ऑपोजिशन कहते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है, ये शर्मनाक ऑपोजिशन है, और इसको आप जितनी जल्दी बंद कर दें आपके लिए अच्छा होगा। वैसे ही आपकी जो पॉलिटिकल जो आपकी इमेज है वो बहुत खराब हो चुकी है, इसको प्लीज आप और खराब मत कीजिए। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है। और लाल आंखों की जहां तक बात है, ये देखिए लाल आंख तो देश के प्रधानमंत्री दिखा ही रहे हैं, इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक होती है और एयर स्ट्राइक होती है, इसीलिए धारा 370 हट जाती है, पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर रोता रहता है और कटोरा मांग कर लेकर के इधर उधर घूमता है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि लाल आंखें हैं। आज हिंदुस्तान की जो फौज है उनको हथियार खरीदने के लिए हर तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, उनके साथ जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं वो जा करके लद्दाख में अपनी सेना से बात करते हैं, उनका संबोधन करते हैं, उनसे जा करके BH आदि हॉस्पिटल्स में मिलते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ही लाल नहीं है, उनके दिल में भी ये जज्बा है कि हमको माँ भारती के लिए ही जीना है और माँ भारती के लिए ही मरना है। पर आप लोगों की लाल आंखें जो होनी चाहिए थी और वो जो है उस वक्त डरी हुई आंखें हो गई जब जो है 600 बार चीन ने कांग्रेस के कार्यकाल में भारत पर अटैक करने की कोशिश करी, तब आपकी डरी हुई आंखें क्यों दिखाई दे रही थी, तब आपकी भीगी बिल्ली वाली आंखें क्यों दिखाई दे रही थी, जब
आपके समय पर 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था चीन ने, तब आपकी डरी हुई आंखें क्यों थी? तब आपकी आंखों में वो लालपन, वो जो है मां भारती के लिए वो प्रेम, वो जज्बा बदला लेने का क्यों नहीं दिखाई दिया? जब हिंदुस्तान की जो सेनाएं हैं वो आपसे बोलती थी कि हमें हथियार चाहिए, हमें 100 रुपया दे दो, और आप 100 रुपये के बदले में उनको 1 रुपया देते थे ये बोल करके कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तुम्हारे ऊपर हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, उस वक्त तुम्हारी आंखों में वो लालपन क्यों नहीं दिखाई दिया, वो तेज क्यों नहीं दिखाई दिया, वो गुरूर क्यों नहीं दिखाई दिया कि हम घोटाले नहीं करेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, अपने घरों से पैसा दे देंगे, राजीव गांधी फाउंडेशन का पैसा दे देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जो वीर सैनिक हैं, हिंदुस्तान की जो वीर फौज है उसको झुकने नहीं देंगे, उनको किसी भी प्रकार की गोली बारूद हथियारों की कमी और भारतीय वायुसेना को रफाल की कमी नहीं होने देंगे? तब आप लोगों की लाल आंखें कहां चली गई थी? आप लोगों की तो हमेशा डरी हुई आंखें रही है ना, डरी हुई आंखों से और झुकी हुई आंखों से आपने पाकिस्तान को चीन को कॉर्निश बजाई है, और होंगी आपकी आंखें उनके सामने डरी हुई भी होंगी और झुकी हुई भी होंगी। उसका कारण मैं आपको बता देती हूं। अगर कांग्रेस पार्टी चीन की लेफ्ट पार्टी से चंदे के नाम पर घूस ले लेती है, और वो भी अपने ही एक इतने बड़े राजनेता जो हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम की फाउंडेशन बना करके उसमें आप पैसा लेते हैं हिंदुस्तान को बेचने की और अपने आप को बेचने की कोशिश करते हो, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को गिरवी रखते हो चीन के हाथ में, तो आपकी तो डरी हुई और झुकी हुई आंखें होंगी ना उनके सामने, आका हो गए ना वो आपके, आपको उन्होंने पैसा दिया तो आप उनके आगे मुंह कैसे खोलोगे? फिर तो आप गिफ्ट ही करोगे उनको, लैंड सब कुछ ही गिफ्ट कर दोगे, आप उनके साथ MOU साइन करोगे, क्यों आप साइन नहीं करोगे MOU? तो आप जब इस तरीके की बातें करते हो तो मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि मुझे कहीं से भी ये समझ में नहीं आता है कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया 60s से, चाचा नेहरू के समय से लेकर के मनमोहन सिंह जी के समय तक, जिसके कारण चीन कमजोर हुआ हो और हमारी सेनाएं सुदृढ़ हुई हो। और बहुत छोटा सा मैं वीडियो बना रही हूं, डिटेल्ड इस बारे में बात की जाएगी, लेकिन सिर्फ ये बोल रही हूं कि देश का विरोध करने का, देश की सेनाओं का अपमान करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। आप लोगों को यह अधिकार हिंदुस्तान ने नहीं दिया है, ना हिंदुस्तान की आवाम ने दिया है, ना हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है, ना हिंदुस्तान के कानून ने दिया है। इसलिए भारत की सेना को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचा करो, ये ऑपोजिशन नहीं है, इस खेल को आप लोग बंद कर दो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद की सेना।